कक्षा हमारी क्या क्या बढ़ाती है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जिसे अपनी भक्ति बढ़ानी हो वो कथा सुने, जिसे अपना ज्ञान बढ़ाना है वो कथा सुने, जिसे अपने अंदर वैराग्य को प्रकट करना है वह कथा सुने। यदि आप चाहते हैं कि आप भी इन चीजों को बढ़ा सकते हैं, या आप भी चाहते हैं कि मेरे अंदर भी ये चीजें बढ़ें, कथा सुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि शांति धन में होती तो धन पाकर के लोग शांति को प्राप्त हो गए होते। बहुत पैसे वाले लोग हैं पर जीवन में अशांति है। धन तो है पर शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि धन शांति कब देगा? जब वह धन धर्म से जुड़ेगा। धर्म में शांति है साहब, धन में शांति नहीं है। धन ने बुद्धि बिगाड़ दी। माता कह गई कि बुद्धि किसने बिगाड़ी? मंथरा ने। मंथरा ने क्या कहा? तू महारानी बन जाएगी, तू राजमाता बन जाएगी, तेरा बेटा भरत राजा बनेगा, तू राजमाता बनेगी, राजा की मां राजमाता। ये धन का जो लोभ भर दिया ना, घुसा दिया खोपड़ी में मंथरा ने, तो मां कैकेयी को क्या आ गया था? लालच, लोभ। तो धन तो मिला, ना धन मिला ना धर्म रहा। धन के लालच में ना धर्म, धन रहा ना धर्म रहा। इसलिए कहता हूं कि शांति धन से नहीं है। धन से शांति मिलती तो भरत जी राजा बन जाते, फिर राम जी को, भरत जी को क्या जरूरत थी खड़ा हूं सिर पे रख के और राम जी के चरणों में प्रणाम करने की कि प्रभु आप चलो, क्या जरूरत थी राम जी के चरणों में वहां चित्रकूट जाने की? शांति यदि भरत जी को धन से मिल जाती तो अयोध्या का राज सिंहासन तो उनका इंतजार ही कर रहा था। पर शांति राज सिंहासन में नहीं थी, शांति तो राम जी के चरणों में थी। इसलिए भरत जी शांति के लिए चरणों में गए। इसलिए आप ये ना सोचो कि धन पालेंगे शांति मिल जाएगी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले वाले लोग भी अशांत हैं साहब, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, सोच रहे हैं, परेशान हैं, क्या करें। इसलिए शांति का मूल, शांति का मूल क्या है? शांति किसे कहते हैं? शांति पाना है तो सिर्फ भगवान की कथा में, सिर्फ भगवान के चिंतन में, परोपकार की भावना में, सदा समाज की सेवा की भावना में शांति है। जमाना आपको गालियां दे, जमाना आपको आलोचना करे आपकी, जमाना आपको कुछ भी कहे, पर फिर भी आप धर्म और सत्य ना छोड़िए। शांति धर्म में है। ये गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र चलता है, जब ये दास अनिरुद्ध अन्य क्षेत्र में अन्न बांटता है ना, बड़ी शांति मिलती है। आप एक काम करना, आप किसी दिन किसी भूखे को भोजन कराना अपने नगर, अपने शहर, अपने यहां। आप किसी उस आदमी को देखो, करोड़पतियों को बुला के ना भोजन में बिठा देना, क्योंकि उनके पेट ऑलरेडी भरे हैं। आप किसी दिन फुटपाथ पर जाना है ना, अपने हाथ से खीर बना कर ले जाना, जो फुटपाथ पर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके, गरीबों के झुग्गी झोपड़ियों में, उनके पास थोड़ा बैठना और अपने हाथ से खीर कटोरी में भर के उनके बच्चों को पिलाना, उन्हें मालपुआ खिलाना, उन्हें टॉफी खिलाना, उन्हें खिलौने देना। वो बच्चे जब वो खीर खाएंगे, टॉफी लेंगे, खिलौनों से खेलेंगे ना, फिर उन्हें देखना, उनकी खुशी को देख करके ना आपका हृदय खुशी से भर जाएगा। खुशियां देने से खुशियां मिलती हैं साहब, धन समेटने से खुशियां मिलती तो सारा धनी, धन कमा के आदमी धन पा के सुखी ना हो जाता? शांति कहां? इसलिए सेवा, इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है? सेवा। भक्ति का तात्पर्य है सेवा। आप रोज कोई ना कोई सेवा करें। धन का अर्थ है, धन भगवान ने दिया है, उसे धर्म से जोड़ें। जैसे हमारे जयपुर से आए भैया श्री जुगल किशोर जी डेरे वाले, आपकी ओर से
इन्होंने वृद्ध माओ के रहने के लिए, 50 वृद्ध माओ के रहने के लिए एक हॉल का निर्माण कराने का संकल्प लिया। भगवान ने धन दिया है तो ये अपना पूरा धन धर्म से जोड़ते हैं, सदुपयोग करते हैं। इन्होंने ना जाने कितने लोगों के आंखों के ऑपरेशन कराए हैं, फ्री में निःशुल्क सेवा की। तो धन है तो केवल धर्म करते हैं ये, बाकी इनका कोई अपना ना नशा है ना कोई खर्चा है व्यर्थ का, सिर्फ धन है तो धर्म से, धर्म से जितना हो जाए उतना करते हैं। यही जीवन की सार्थकता है। धन है मतलब धर्म, ये समझ लो कि भगवान ने दिया है मतलब धर्म के लिए दिया। सेवा करते हैं, आपके द्वारा यहां 50 वृद्ध माओं के रहने की व्यवस्था, भैया जी ने ऐसा बताया था, हमसे कहा था ऐसा जगह ऐसा बनवाएंगे माओ के लिए, ऐसा हॉल के देखने लायक होगा, मतलब सुंदर से सुंदर। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि धन धर्म से जोड़ने के लिए होता है। आपके पास भी धन है तो उसे धर्म से जोड़िएगा। इसलिए लोग अशांत हैं क्योंकि कमा कमा के तिजोरियां भर रहे हैं, है ना, कोई उपयोग नहीं है उसका कि किसी जरूरतमंद को दे दें। पहले तो द्वार पर भिखारी आ भी जाता था, भैया रोटी दे दो, अब तो आजकल वो भी नहीं मिलते, फ्लोरों में लोग रहते हैं ऊपर, अब कौन चढ़ के जाए, घुस नहीं मना, गार्ड खड़ा है। पहले तो घर में गाय आ जाती थी, चलो गाय को एक रोटी आदमी खिला देता था, अब तो गाय भी शहरों में नगर पालिका ने बंद कर रखा, कोई गाय नहीं दिखेगी नगर पालिका की, चौकसी है चारों तरफ, कहीं नहीं घूम सकती। क्यों जी, कुत्तों की छूट है, कुत्ते घर में रख सकते हैं गाय नहीं रख सकते, यही तो कलयुग की पहचान है। हम गाय की सेवा करने वाले लोग, कुत्ते की भी सेवा करो, हम ये नहीं कहते, हमारे यहां कुत्ते की भी रोटी निकलती है, अंतिम रोटी किसकी, कुत्ते की, पहली रोटी किसकी, गाय की। तो हम ये नहीं कहते कुत्ते को ना रखो, जीव सेवा, हमारे यहां चींटियों को दाना डालने की बात कही है, हमारे यहां पक्षियों को दाना डालने की बात कही है, कुत्ते को भी रोटियां डालो, कुत्ते का भी आप ध्यान रखो, पर कुत्तों को जो बेड में सुलाया जा रहा है ये गलत है। कुत्ता द्वार पे अच्छा लगता है, द्वार पे हो तो अच्छा है, गाय घर के अंदर हो तो अच्छे अच्छी है और कुत्ता घर के बाहर हो तो अच्छा है, पर उल्टा हो गया, कुत्ता घर के अंदर हो गया गाय घर के, ये कलयुग है। जहां गीता पुराण, जहां गीता पुराण वेद फुटपाथ पर बिकते हो और जूता बड़े बड़े शोरूमों में बिकते हो, यही तो कलयुग की शुरुआत है। जूते बड़े बड़े शोरूम में हैं और गीता वेद पुराण फुटपाथ पर रखे। गीता 10 रुपए की आती है, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता छोटी सी, आप जैसे झोले में रख सकते हैं, 10 रुपए की, 20 रुपए की आ जाएगी अर्थ सहित, और क्या 15-12 रुपए की। और जूता शोरूमों में 2000-5000 से कम का कोई जूता ही नहीं है। जूता आदमी भले 5000-10000 के खरीद ले, लेकिन 20 रुपए की गीता खरीद के नहीं पड़ता। गीता से मतलब नहीं है साहब, इसलिए तो दिक्कत है ना, लोग गलत रास्ते पर निकल पड़े। कलयुग चरम सीमा पे अभी पहुंचा नहीं है, पर यही हाल रहे यदि नहीं सुधरे लोग तो पहुंच जाएगा। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें ऐसी कथा सुनाई है सूत जी ने, शौनक आदि ऋषियों ने कहा कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। एक बार भागवत सुनने इंद्र आए, एक बार इंद्र को लगा कि चलो सुखदेव भगवान भागवत सुना रहे हैं परीक्षित जी को, हम सुने आवे चले। स्वर्ग का अमृत लेकर आए, सुखदेव जी से कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ, ये कथा अमृत आप हमें पिलाओ। सुखदेव भगवान बोले वाह, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान, कहां कांच का टुकड़ा कहां मणि, हम क्यों पिए, तेरे स्वर्ग का अमृत तुच्छ है। इंद्र, सुखदेव भगवान ने कहा ये भागवता अमृत श्रेष्ठ है, बताओ स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है या भागवत की कथा श्रेष्ठ है, क्यों, भागवत की कथा श्रेष्ठ है तो कैसे है और स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है तो कैसे, दोनों मैं जो श्रेष्ठ कहेंगे आप उसे सिद्ध करना होगा।
सिद्ध हम करते हैं भागवत जी को। सुखदेव भगवान ने कहा कि स्वर्ग का अमृत कोई पी लेगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर भागवतामृत कोई पी ले, भागवत मन लगा कर सुन ले और भक्ति रम जाए उसके अंदर, भक्ति प्रवेश कर जाए, तो वह भक्ति जो भागवत से मिली भक्ति है, वह भक्ति उसे भगवान से मिला करके रहेगी। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग तक पहुंचाएगा, पर भागवत से मिली भक्ति आपको भगवान तक पहुंचाएगी। इसलिए यह भगवान तक पहुंचाने का साधन है, इसलिए स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। भागवत सुनने से जीव मात्र का कल्याण होता है, इसलिए भागवत सुना करो। भाई एक बात बताएं, अच्छे विचार कुछ देर के लिए आते हैं और आकर के अच्छे विचार चले जाते हैं, इसलिए जब विचार अच्छे आए तो अच्छा काम कर लो। कल ये अच्छे विचार आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, कल आपकी संगति गलत हो गई और गलत गलत विचार आ गए, क्या भरोसा। भाई अजामिल नाम का एक आदमी था, आपने अजामिल का तो नाम सुना होगा, अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, अजामिल जाति का ब्राह्मण था, बड़ा भक्त था, बड़ी पूजा करता था, लेकिन एक वैश्या को एक दिन उसने बगीचे में देखा, उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गया, वो वैश्या के चक्कर में पड़ गया, उस वैश्या के चक्कर में ऐसा पड़ा कि भगवान से दूर हो गया। कोई अब कहता नारायण नारायण बोल, बोले नहीं बोलूंगा, क्या नहीं बोलेगा, बोले वही नहीं बोलूंगा जो तू बुला रहा है, मतलब धोखे से भी नारायण नहीं बोलता था। फिर संतों ने विधिवत उसको बेटे का नाम रखा नारायण, तब बेटे के कारण वो नारायण नारायण बोलने लगा था। वैश्या की संगति से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो आपकी बुद्धि अभी अच्छी है, कल कैसी होगी ये कोई नहीं जानता, इसलिए जब बुद्धि अच्छी हो तो अच्छे विचारों के साथ अच्छे काम कर ले। अच्छे काम करने के लिए अच्छे कामों को कल पर नहीं टालना चाहिए, काल करे सो आज का राज करे सो अब पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, और बुरे विचार आए तो कल पर टाल दो, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, जिंदा है अभी बरसों। बुरे विचार कल पर टालो, अच्छे विचार अच्छा काम